class 12. Students, in this class we are going to start a new chapter and the name of this chapter is Population, Distribution, Density, Growth and Composition. So we will discuss all these topics in the next classes. So let's have the quick summary of this chapter, or we can say the introduction of this chapter. So let's start. So India is the second most populous country after China. चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है. उसके बाद अगर हम बात करें तो किसका नंबर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो आता है इंडिया का नंबर. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट और सॉरी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की. इंडिया पॉपुलेशन इज लार्जर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी मीन्स नॉर्थ अमेरिका, ऐसे मीन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर. अगर हम इन सभी जो मेजर हमें कॉन्टिनेंट्स भी अगर बोले, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स हैं, जबकि जो हमारा इंडिया है वो एक सब कॉन्टिनेंट है. फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन, अगर इन सभी की पॉपुलेशन को एक साथ कर दिया जाए पुट टुगेदर, सो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन इन तीनों कॉन्टिनेंट से ज्यादा है. इट इज आर्ग्यू, अब जब पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज्यादा है तो कुछ मत होंगे, तो उनमें से हम एक मत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है सो ये प्रेशर डालती है किन चीजों पे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज. इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नीड्स भी ज्यादा होंगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को कंज्यूम करना पड़ेगा. हमें रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे तो एक तरीके से खत्म होने की कगार पर तो आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो अनलिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव पड़ता है, लोग उन्हें यूज में लेते हैं तब. एंड सॉरी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अवर कंट्री. यहाँ पर बात की जा रही है रिसोर्सेज पर तो दबाव पड़ेगा, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है. जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो फैसिलिटीज कम होंगी, लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, पेड़ों की कटाई, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं. नेचुरली नेचर भी सफर करती है हमारे पॉपुलेशन की वजह से. हम लोग नेचर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन नेचर, सो दैट्स व्हाई नेचर इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ अ पॉपुलेशन. सो बहुत सारे रीजन हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस तो बहुत कम होंगे. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया में पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो हियर इज द रफ डायग्राम ऑफ इंडिया. ये डायग्राम स्केल पर नहीं बना हुआ है, आप लोगों को क्लास 6 और 7 में भी डिस्क्राइब किया गया था कि एक मैप को स्केल पर होना चाहिए तभी वो एक्यूरेट होता है, बट ये डायग्राम स्केल पर नहीं बना है. अब एक बार मेजर मेजर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, सिंथी आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स हो गए, यहाँ पर डेजर्ट हो गया, ये है फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. क्यों है? बिकॉज वन मेजर रीजन इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. हर जगह रहने लायक स्थिति या रहने लायक जो क्राइटेरिया होते हैं वो नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर फैसिलिटी इंसान को एक जगह मिल जाए, कोई कहीं पर मिल रही है दूसरी कहीं पर मिल रही है. तो अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, लोग अलग अलग जगह पर बसते हैं. अब अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ एरियाज है उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है. अगर पॉपुलस स्टेट की बात करें तो वो यूपी. अब मैंने सेकेंड पॉइंट में इंक्लूड किया है यूपी. आपको सारे सारे स्टेट्स की पोजीशंस लर्न होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है. सो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये जो मैंने भी स्टेट्स के नाम लिए हैं ना, ये स्टेट
गुजरात बीस के अंदर इंक्लूडेड किया गया है, राजस्थान बीस के अंदर इंक्लूडेड किया गया है, इसमें इसके अंदर महाराष्ट्र भी हमारे इंक्लूडेड है, तमिलनाडु भी इंक्लूडेड है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी इंक्लूडेड है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान भी ऑल आर डन। ओके, सो ये जो मेजर मेजर एरियाज वी हैव हाईलाइटेड दैट, सो दैट दोस एरियाज कवर 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बाकी जो एरिया है दैट विल डिस्कस। सो इतने सारे एरियाज है एकदम मेजर मेजर स्टेट्स, एंड ये मेजर मेजर स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की 76% पॉपुलेशन इन स्टेट्स के अंदर में रहती है। अब लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की या यूनिट की अगर यहाँ बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की 1.04% पॉपुलेशन रहती है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 0.11%, मतलब बहुत ही मिनिमल पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की बात की जाए तो 0.84% यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है ऑल ओवर इंडिया। बट अगर हम देखें तो ये जो स्टेट्स और यूटी हैं ये एरिया वाइज तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, फिर ऐसा क्यों है कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें पॉपुलेशन इतनी कम है? यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, सो इन स्पाइट ऑफ दीस स्टेट हैविंग फेयरली लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज एरियाज हैं पर फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन में कम देखने को क्यों मिलती है? तो इसकी कुछ रीजन ये हो सकते हैं, माउंटेनियस इलाका है, थोड़ा बहुत रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इनके कंपैरिजन में ये प्लेन एरियाज है, यहाँ से रिवर्स क्रॉस करती है लाइक गंगा रिवर, एलिगेंसी बांग्लादेश की मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज में से एक है, अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यहाँ पर ये सभी एरियाज एक तरीके से मोस्ट पॉपुलस है बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल एरियाज। सो हम लोगों ने ये दो एरियाज की कंपैरिजन देख लिया, कहाँ ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कहाँ कम है, तो यहाँ पर हम क्यों। अब इसके आगे के पॉइंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि ये अनइवन स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अनइवन स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक फीचर्स। सी अगर कोई यहाँ से रिवर जैसे गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया, सो गंगा रिवर के किनारे किनारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हिस्टोरिक फीचर नहीं देखना है हम लोगों को तो यहाँ पर फिजिकल फीचर्स की बात कर लें कि कोई भी रिवर है, रिवर के आसपास ही लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन की जनसंख्या वही रहना ज्यादा पसंद करेगी जहां पर उनकी रहने लायक जगह हो, सारी फैसिलिटीज हो। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया एंड बिटवीन पॉपुलेशन। सो आर कंसर्न इट्स क्लियर दैट क्लाइमेट विद टेरेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर क्लाइमेट सही है, हम लोगों को लैंड सरफेस एरिया ऐसे मिल रही है जिसमें हम कल्टिवेशन कर सकें, एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा की जो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सही हो एंड अगर वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो वो पॉपुलेशन को अफेक्ट जरूर करेगी, लोग वही रहना पसंद करेंगे, वो एरिया हाईली पॉपुलेटेड होंगे। ना अगर हम हाईली पॉपुलेटेड एरियाज की पर दोबारा से देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स, डेल्टास, कोस्टल एरियाज, ये सभी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। बट अगर हम लो पॉपुलेटेड या लो पॉपुलेशन वाले एरियाज की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर आ जाता है हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न स्टेट्स में वैसे भी पॉपुलेशन में कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बट टाइम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान। जैसे यहाँ पर राजस्थान में थार डेजर्ट है, हम लोगों ने ये तो देख लिया पॉपुलेशन राजस्थान में ज्यादा है, बट यहाँ पर डेजर्ट
एरिया इज डेंसली एक तरीके से पूरे घिरा हुआ है राजस्थान। 60% एरिया किससे? डेजर्ट से। तो इतना ज्यादा 60% डेजर्ट है तो हम लोग रहते क्यों हैं यहाँ? हाईली पॉपुलेटेड एरिया से क्यों काउंट किया जाता है स्टेट को? बिकॉज यहाँ से रिवर्स फ्लो करते हैं, इंडस रिवर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तरीके से, झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलज यहाँ पर मेजर रिवर्स है। हमने क्या किया? बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स हम लोगों ने इरीगेशन स्टार्ट किया इंद्रावती कैनाल। सो यहाँ वाले इलाकों में भी पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी पहुंच चुकी है। इस वजह से इरीगेशन फैसिलिटी राजस्थान में भी डेवलप हो चुकी है। बात कर ले इरीगेशन फैसिलिटी की, सुगम मीन्स ये एरिया रहने लायक नहीं था, फिर भी हम लोगों ने इसे डेवलप बनाया इरीगेशन के लिए, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पर बात की गई है झारखंड की। झारखंड एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, हमने नाम अभी तक नहीं लिखा झारखंड का, बट फिर भी यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एग्जाम्पल झारखंड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान पहुंचा दिया जाता है तो लोग वहां रहना पसंद करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस एरिया में एक कोई एक गांव है तो यहाँ पर शहर हो गया। अब आने जाने की कोई सुविधा नहीं है तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल रास्ता इस तरीके से, बड़ा लंबा चौड़ा और एक तरीके से फैसिलिटी और नुकसान हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। अब आफ्टर द फैसिलिटी, आफ्टर दिस फैसिलिटी यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इन दोनों इलाकों में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होने लग जाएगा और ये एरिया भी पॉपुलेटेड होने लग जाएगा। लोग जो शहरों के लोग हैं वो यहाँ पे रहने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सो हम लोगों ने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल फीचर्स की वजह से ही सेटलमेंट्स हो रहे हैं, अदर फीचर्स भी हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें भी पेनिनसुलर स्टेट में मॉडरेट से लेकर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है। इन एरियाज में कम पॉपुलेशन था, अब इनमें डेवलपमेंट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया थे हाईली पॉपुलेटेड और हाईली कंसंट्रेटेड पॉपुलेटेड एरियाज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर किसी को मिल रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स पैटर्न में चेंजेस हैं, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो जाता है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जगह पे है या फिर अर्बनाइजेशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। कोई इंडस्ट्री दूर दराज के इलाके में रहती है, यहीं पर हम इसको ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक टाउन है और यहाँ एक इंडस्ट्री है। सबसे पहले यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था, सो ये एक टाउन है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई है। कोई भी इंडस्ट्री को शहर के बाहर ही लगाया जाता है। तो अब जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, कोई नहीं लगा था, जब इंडस्ट्री लग गई तो लोगों को रोजगार देखने लग गया। तो इस इंडस्ट्री के आस पास के इलाकों में लोग, मजदूर जो भी है वो आगे नहीं बढ़ रहे। अब ये क्या हो गया? ये जो एक छोटा सा गाँव था, छोटा सा एरिया था, अब वो डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो यहाँ पर कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स के अलावा भी अफेक्ट करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू डेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हाट इज इट डेंसिटी? सो इट एक्सप्रेसेस एज नंबर ऑफ पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर यूनिट एरिया। ये डायग्राम मेंशन है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। चलिए पार्ट्स में अगर डिवाइड ना करें तो जो पॉपुलेशन को इस तरीके से स्कैटर्ड मैनर में बिखरी हुई है। बट अब यहाँ देखें, इस ब्लॉक में डेंसिटी मतलब लोगों का जो घनत्व है वो इस एरिया में ज्यादा है। तो हम बोलेंगे ए बी सी डी, अगर हम डिवाइड करते हैं ए बी सी डी में, तो बोलेंगे डी
India. So the population ratio of India, density of India is according to 2011 census 382% per square kilometer. यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, भले ही हम महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया है, वही अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में कम कम लोग रहते हैं. हमने सभी का एक एवरेज निकाला है और एवरेज निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा हम ये देखेंगे कि एक एवरेज डेंसिटी क्या है ऑल ओवर इंडिया में. वो एवरेज डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, अब 1951 की बात करें, इससे पहले हम ये देखेंगे कि हर साल जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जाती है. 1951 में डाटा था 117% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है 2011 में 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. राजस्थान में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो राजस्थान की डेंसिटी 200% पर स्क्वायर किलोमीटर. वैसे तो 61% हमारा डेजर्ट वाला इलाका है, पर फिर भी 200% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है राजस्थान के अंदर. नाउ हाईएस्ट डेंसिटी और लीस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली में है, यूपी है. अगर हम स्टेट की बात करें देन बिहार का नंबर आता है, पहले वेस्ट बंगाल का नंबर आता था. सो द डेंसिटी ऑफ बिहार दिल्ली इज 11,320 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू बुक. एंड लीस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश ओनली 17% इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर एरिया के एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में हम बात करें तो. ओके, सो दिल्ली बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां एक एक घर में मंजिलें बनी हुई हैं, मंजिलों में बहुत सारे लोग रहते हैं. तो दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सभी एरियाज, बांग्लादेश अगर हम कंट्री की बात करें तो ये हाईली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है. अब दिल्ली बिहार की बात हो गई, हम यूपी भी इंक्लूड कर लेते हैं. यूपी भी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है. सो नाउ वी आर इंक्लूडिंग द पिक्चर ऑफ इंडिया. विद द हेल्प ऑफ दैट पिक्चर वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट पिक्चर. Here is the map of India which shows the density of population 2001. यहाँ पर एक टेबल है जो कि persons per square kilometer को शो करती है. First black color शो कर रहा है above 1001%. उसके बाद जो शेड है वो lighter होता जाता है, जिसका मतलब जो लोग हैं उनकी population भी कम हो रही है. दिल्ली में हम यहाँ देखेंगे, दिल्ली को ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, इसका मतलब यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं. एंड यहाँ लास्ट में लेस देन 200 में इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हमने अरुणाचल प्रदेश देखा था, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश को भी इसी लाइन से इंडिकेट किया है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में 200 से कम, ऑब्वियसली बात है 200 से कम लोग रहते हैं, वहाँ ओनली 17 लोग रहते हैं. राजस्थान में भी हम ये देखेंगे, एमपी में भी यही पॉपुलेशन डेंसिटी है, मध्य प्रदेश सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सभी एरियाज में लेस देन 200 पीपल रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं. सो इस डायग्राम के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है एंड लीस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है. सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन. थैंक यू.